या असरार, बे आवाज कलाम करने वालों की सरगोशियों, गुमानों के बाइस फिक्रों में दाखिल होने वाले इरादों और पलकों के नीचे कनखियों के इशारों से वाकिफ है। खुदा दिल की तहों और गैब की गहराइयों में छुपी हुई चीजों को जानता है और उन आवाजों को सुनने वाला है जिनको कान लगाकर सुनने के लिए भी कानों को झुकना पड़ता है। और चींटियों के मौसम गर्मा के मस्कनों और हशरातुल अर्ज के मौसम सरमा बसर करने की मंजिलों से भी बाखबर है। वो फरजंद का दाग उठाने वाली औरतों के दर्द भरे नालों की गूंज और साथ ही कदमों की आहट का भी सुनने वाला है। खुदा उन चीजों को जिन्हें रात की तारीख चादरों ने ढांप रखा है और जिन पर दिन के सूरज ने अपनी किरणों से नूर बखेरा है और जिन पर कभी जुल्मत की तहें जम जाती हैं तो कभी नूर के धारे बह निकलते हैं, वो सब कुछ पहचानता है। वो हर कदम का निशान, हर चीज की हिस्सो हरकत, हर लफ्ज की गूंज, हर होंठ की जुम्बिश, हर जानदार का ठिकाना, हर जर्रे का वजन और हर जानदार की सिसकियों की आवाज और जो कुछ भी इस जमीन पर है वो सबसे आगाह है।